हाँ बच्चों, सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में आपको मैंने जो टेंस है उसका इंट्रो दिया था, केवल आपको टेंस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, और थोड़ा बहुत हम प्रेजेंट सिंपल के ऊपर आ भी गए थे, और प्रेजेंट सिंपल के ऊपर थोड़ी बात मैंने आपको बता दी थी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस बच्चों वह होता है जिसमें क्या होता है जरा बताना। प्रेजेंट सिंपल टेंस वह होता है जिसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ई एस जोड़ा जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस वह होता है जिसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस ई एस जोड़ा जाता है। बच्चों केवल एक बात है, मैं दो तीन बातें बताऊंगा आपको। देखो पहली बात जो है बच्चों, इसको आप उसमें बक्से में बंद करके लिखो। जैसे मान लो आपने लिख लिया प्रेजेंट सिंपल, ऐसे लिख लिया, तो बच्चों ये जो प्रेजेंट सिंपल है ये क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल होगा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा हुआ होगा, एस या ई एस जुड़ा हुआ होगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है, अगर इस तरीके की सिचुएशन बनती है, तो आपको उसको क्या मानना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन बच्चों ये क्या है? दिस इज ओनली सिचुएशन नंबर वन। ये बच्चों केवल सिचुएशन नंबर वन है। कौन सी सिचुएशन है बच्चों? ये सिर्फ सिचुएशन नंबर वन है। इसका मतलब ये हुआ कि सिचुएशन कुछ और भी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। लास्ट सेंटेंस बच्चों हमने पढ़ाया था आपको, देखो आई टीच यू, ये सेंटेंस आपको पढ़ाइए। मैंने आपको कहा था कि इसका अनुवाद हम कुछ यूं करेंगे कि मैं तुमको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू यानी मैं तुमको पढ़ाता हूँ। तो आप देखते हो कि बच्चों ये सब्जेक्ट है, समझाया जा चुका है, ये वर्ब है और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब देखने वाली बात ये है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब चूंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए क्या करना पड़ेगा? चूंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए आपको इसको क्या मानना पड़ेगा? चूंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए आपको इसको प्रेजेंट सिंपल मानना पड़ेगा, और चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल है इसलिए जब आप इसका अनुवाद करोगे तो क्या करोगे? वही तरीका आपने बताया, ताहती है ताऊ ती हूं ते हैं। ये बच्चों ताहती है ताऊ ती हूं इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता है, लेकिन ये तब महत्व रखता है जब आप किसी सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हो, तब ये चीज महत्व रखती है। लेकिन जो इंग्लिश टू इंग्लिश में हम अगर आपको पढ़ाते हैं तो हम सिर्फ आपको इतना बताएंगे कि इसमें क्या है, इसका प्रयोग कहां होता है। इसका प्रयोग होता है डेली रूटीन वाले सेंटेंसेस में। डेली रूटीन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें अपने इसका प्रयोग करते हैं। और भी कई बातें हैं तो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूं। अब बच्चों मैं सेंटेंस को चेंज कर रहा हूं, जरा देखेंगे आप। ये जो आपका सेंटेंस था आई टीच यू, इस सेंटेंस की जगह मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, बात को समझना। जैसे बच्चों मैंने आपको कह दिया है कि आई लाइक, लिखना दिस पोयम, आई लाइक दिस पोयम, ठीक है बच्चों। बात को ढंग से समझने की कोशिश करो और मैं आपको ढंग से ही समझाऊंगा, ठीक है। ये इस तरीके से जो पूरा मसाला आपको प्रिंट करके एक एक करके दे दिया, जैसा किताबों में लिखा हुआ, जैसा आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी चैनल खोलोगे तो प्रिंट किया हुआ मैटर आएगा, उसके बाद वो कर्सर चलाएगा और वो टेंस को क्या करेगा, 10 मिनट के अंदर खत्म कर देगा। अब 10 मिनट के अंदर आपकी समझ भी नहीं आएगा। तो बच्चों मैं जिस मन से आपको चीजें पढ़ा रहा हूं, जितना नायाब और जितना सरलतम तरीके से पढ़ा रहा हूं, ऐसा आपको इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं मिलेगा। और मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपकी एक भी डाउट रह जाए तो मुझे कह देना, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप जरा देखेंगे बच्चों, आई ये सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। ये लाइक क्या है? ये बच्चों वर्ब हो गई है। और ये दिस पोएम क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर है। अब बच्चों आप इसका अनुवाद क्या करोगे? क्योंकि आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। जब बच्चों आपको ये पता चली गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो आप समझ गए कि ये प्रेजेंट सिंपल है, और जब प्रेजेंट सिंपल है तो आप जब इसका अनुवाद करोगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप वाक्य के अंत में किसका प्रयोग करोगे, ता का करोगे। अब बच्चों जैसे करना है एक बार कि मैं इस कविता को, देखो बच्चों मैं इस कविता को, अब आप कहोगे साहब ये को किधर से आ गया? ये बच्चों को बाहर से आ गया। ये जो ऑब्जेक्ट होता है कर्ता ने कर्म को, तो ये जो बच्चों ये ने और को, इनको हिंदी में हम कहते हैं परसर्ग, या हम हिंदी में कहते हैं इनको विभक्तियां। अब आप पूछोगे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में कुछ नहीं बोलते क्योंकि अंग्रेजी में होते ही नहीं है, ये बाहर से लाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे बच्चों? मैं, ठीक है, लाइक यानी क्या होता है? पसंद करना। और दिस पोएम मानी इस कविता को, तो मैं इस कविता को पसंद करता है। अब बच्चों ताया तो जम नहीं रहा है क्योंकि मैं के साथ तो ताऊ बोलना चाहिए ना, इसलिए आप क्या करोगे? मैं इस कविता को पसंद करता है नहीं बोल के आप बोलोगे मैं इस कविता को पसंद करता हूं। लेकिन कोई बिहार का है तो ऐसे ही बोलेगा मैं इस कविता को पसंद करता है। साउथ का है, केरल में रह के आया हूं मैं, तो बच्चों केरल वाले जो लोग हैं उनको ठीक से विभक्तियों का इनका प्रयोग नहीं, मैं जाता है, मैं खाता है, मैं पीता, वो गलत बोलते हैं। लेकिन आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो और हिंदी के पारंगत हो, ऐसे में आपसे गलती होने की कोई संभावना नहीं बनती है। तो आप क्या करेंगे? आप यूं बोलेंगे
कि मैं इस कविता को पसंद करता हूं। क्लियर हो गई ये बात? बहुत अच्छे। अब बच्चों से अपन कुछ नहीं करेंगे, इसका सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं, जरा देखना, ये आ गया वी, ये फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन, लेकिन ये सिंगुलर, ये प्लूरल। देखो बच्चों, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है जब मैं आपको कहता हूं कि मैं पढ़ाता हूं, तो बताओ मैं क्या है? मैं फर्स्ट पर्सन है, मैं सिंगुलर हूं। अगर बच्चों मान लो मैं आपको ये कहूं कि हम दो तीन जने हैं, मैं भी और अजय जी भी है, वो उधर सोनलाल जी भी है, मोहनलाल जी भी है, तीन मतलब तीन लाल एक साथ है ना, ना? ऐसे में बच्चों मैं आपको ये कहता हूं कि मैं आपको पढ़ाता हूं, तो ऐसे थोड़ी बोलूंगा, तब मुझे कहना पड़ेगा कि हम आपको पढ़ाते हैं। हम बच्चों, अब आप जानते हो कि हम है ना, वो प्लूरल है, और आई जो है ना, आई का मतलब मैं सिंगुलर है। जब मैं अपने आप के लिए मैं का प्रयोग करता हूं तो मैं एकवचन होता हूं, लेकिन जब मैं तीनों का बोध कराना चाहता हूं तो हम बहुवचन हो जाते हैं। तो हम बहुवचन हो जाते हैं तो बच्चों फिर हम का प्रयोग करते हैं, एनी हाउ। अब जब सेंटेंस की पूर्ति करोगे तो कैसे करोगे, जरा देखना। वी लाइक, कुछ नहीं करना आपको, वी लाइक दिस पोयम, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, हम इस पोयम को पसंद करते हैं। कोई समस्या हो तो बता दो, कोई समस्या नहीं है ना। वी लाइक दिस पोयम माने हम इस कविता को पसंद करते हैं। अब बच्चों ये जो वी है ना, इसकी जगह मैं क्या करूंगा, देखो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अब आ रहा है यू, ये यू क्या है बच्चों, ये सेकंड पर्सन है, और ये सिंगुलर भी और प्लूरल भी। कैसे? जब आप मुझे कहोगे सर आप पढ़ाते हो, तो आप ये तो कहोगे सर यू टीच, मैं एक हूं तो भी यू ही बोलो ये, और मैं कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों आप पढ़ते हो, तो आप तो बताओ एक से ज्यादा हो ना, फिर भी मैं आपके लिए यू का ही प्रयोग करूंगा। हिंदी में ऐसा नहीं, एक है तो तू और एक से ज्यादा तो तुम, और अगर कोई बड़ा आदमी है तो आप, ऐसा अंग्रेजी में नहीं होता है। अंग्रेजी में क्या होता है बच्चों, कोई बड़ा हो जाए छोटा हो, कोई बड़ा हो जाए छोटा हो, सबको यू ही बोलते हैं, बाप को भी यू ही बोलते हैं। इसलिए अब उसके लिए तो मैं दूसरा प्रोनाउन आपको दे नहीं सकता हूं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यू इज यूज्ड बोथ एज ए सिंगुलर एंड ए प्लूरल सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, यानी यू का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल सेकेंड पर्सन प्रोनाउन दोनों के सेंस में प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया है? अब आप क्या करोगे, यू ये हो गया साहब लाइक दिस पोयम, यानी तुम इस कविता को पसंद करते हो। ठीक है, बहुत अच्छे। अब बच्चों इसको सिंगुलर भी है ये, प्लूरल भी है ये। चलो अब हम थर्ड पर्सन में आते हैं, तो थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ये कर दिया हमने ही। अब बताओ बच्चों लाइक आएगा कि लाइक्स आएगा, लाइक्स आएगा, ऐसा क्यों होगा ये मैं समझाऊंगा आपको। ही लाइक्स दिस पोयम, ही लाइक्स दिस पोयम, कोई समस्या हो तो बता देना, ही लाइक्स दिस पोयम। अब बताओ शी करोगे तो क्या करोगे, शी लाइक्स, ठीक है, दिस पोयम। अब बच्चों में इट का प्रयोग इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं अगर ये कहूं कि ये कविता को पसंद करता है, तो इट का प्रयोग तो होता निर्जीव के लिए, तो निर्जीव तो कविता को कैसे पसंद करेगा, क्योंकि बच्चों निर्जीव तो क्या मूर्ख आदमी कविता को नहीं समझता, ठीक है, तो मूर्ख आदमी को कविता समझाई, जो मूर्ख आदमी उसको कविता समझाना तो सूरज को आसमान से नीचे धरती पर गिराना है, तो जब मूर्ख को नहीं समझा सकते तो निर्जीव को कैसे समझाएंगे। इट का प्रयोग होता है जानवरों के लिए, इट का प्रयोग होता है निर्जीवों के लिए, ऐसे में इट का प्रयोग मैं करूंगा नहीं। अब जरा आप देखना, दे का प्रयोग कर रहा हूं, अगर बच्चों इट का प्रयोग होता तो पक्का लाइक्स आता, ये अलग बात है कि मैं कर नहीं रहा हूं, तो दे फिर क्या हो गया, लाइक दिस पोयम, दे लाइक दिस पोयम, यानी वे इस कविता को पसंद करते हैं। कोई समस्या बच्चों यहां तक? आपने क्या देखा, आपने बच्चों ये देखा ये थर्ड पर्सन है, क्लियर है? अब देखने वाली और समझने वाली बात बच्चों, बोर्ड के ऊपर जरा ध्यान से देखो, उतारते चलो और बात को समझो। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है, आई लाइक दिस पोयम, आई के साथ आपने लाइक का प्रयोग किया, लाइक्स का नहीं किया, फिर वी के साथ आपने किसका प्रयोग किया, लाइक का किया, यू के साथ लाइक का किया, ही के साथ लाइक्स का, शी के साथ लाइक्स का, दे के साथ लाइक का, तो बच्चों क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्राइव, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्राइव फ्रॉम दीज सेंटेंसेज, अर्थात ये जो सेंटेंसेज दिए गए हैं, जो वाक्य दिए गए हैं, इनसे बच्चों हम कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो इनसे हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो बच्चों जरा इसमें निष्कर्ष देखना, जैसे अगर मैं आपको इनको छांटना चाहूं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और इधर मैं छांटना चाहूं प्लूरल सब्जेक्ट, तो बच्चों आप बताओ मेरे को जरा इसमें प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा, हम जानते हैं वी इसमें प्लूरल है, तो चलो वी को हमने इधर ले लिया, ये वी को ले लिया, और हमने ये देखा कि वी के साथ में एस या एस का प्रयोग नहीं हुआ है, बहुत अच्छे। इसके बाद दे को भी हमने ले लिया, यहां कोई समस्या नहीं है, दे के साथ भी एस या एस का प्रयोग नहीं हुआ है। अब बच्चों हम सिंगुलर लेते हैं, तो सिंगुलर में जरा देखो आप क्या आएगा, ही सिंगुलर है तो एस या एस का प्रयोग हो गया, शी सिंगुलर है तो एस या एस का प्रयोग हो गया, इट बच्चों नहीं आ रहा है लेकिन अगर होता तो एस या एस का प्रयोग होता, सेम एक लड़के का नाम है एस या एस का प्रयोग होता,
सोफिया एक लड़की का नाम है, ऐसे ही इसका प्रयोग होता। लेकिन बच्चों अगर सैम एंड सोफिया आ गए तो बताओ फिर वो एक होंगे या दो होंगे? वो दो होंगे। और अगर वो दो होंगे तो बच्चों वो सिंगुलर नहीं होंगे, प्लूरल होंगे। अब बच्चों जो समस्या आपके सामने बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि सर आपने आई को तो लिखा ही नहीं और आपने यू के लिए कह दिया ये सिंगुलर है ये प्लूरल है। अगर मान लो ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है तो आपने इसको प्लूरल ही क्यों माना, सिंगुलर ही मान लेते? या फिर ऐसा ऐसी परिस्थितियां बताओ कि कब तो यू सिंगुलर होता है कब यू प्लूरल होता है। तो बच्चों जरा जान लो, यू हमेशा प्लूरल ही माना जाता है। फिर आपको भी सर थोड़ी देर पहले आप ही तो कह रहे थे सिंगुलर भी माना जाता है। देखो बच्चों यदि आप मुझे एड्रेस करोगे तो मैं चार पांच तो हूं नहीं, मैं तो एक ही हूं, तो फिर आप मेरे लिए यू का ही प्रयोग करोगे। लेकिन अगर मैं आपको एड्रेस करूंगा तो आप एक से ज्यादा हो तो मैं आपके लिए यू का ही प्रयोग करूंगा। तो यू का प्रयोग एक वचन की तरह माने सिंगुलर की तरह भी होता है, प्लूरल की तरह भी होता है। लेकिन जब भी आप किसी सेंटेंस में यू का प्रयोग करोगे तो उसको प्लूरल ही मानते हुए उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे। मैं ये कहना चाहता हूं यू शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब, यानी यू जो है उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो सिंगुलर का सेंस दे रहा हो या वो प्लूरल का दे रहा हो। आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी, सबको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यू की स्थिति क्या है, ये यू जो है बच्चों ये समटाइम्स सिंगुलर समटाइम्स प्लूरल होता है। ध्यान दो बच्चों, जहां तक प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात है तो ये प्लूरल ही माना जाएगा। बस इसका एक अपवाद इतना सा है बच्चों कि आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है, वर का नहीं। आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है, वर का नहीं, वाज का होता है। जबकि कायदा तो यह है कि वर का ही होना चाहिए। जब आई को आपने प्लूरल मान लिया है तो आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होना चाहिए, वर का होना चाहिए। लेकिन आई के साथ में वर का प्रयोग नहीं, हाँ आई के साथ में वर का प्रयोग नहीं होता, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब समझ में आ जाएगी आपके भी। तो आई के साथ में क्या बच्चों, वर का प्रयोग नहीं होता है। वो है ना, वो जो मैंने बता दिया ना आपको, इधर लिख के दिखा देता हूँ अभी आपको, ये जरा देखना, ये आई क्या आई है, ये आई है। अब आई के साथ में बच्चों वाज है और वर है, दोनों देखा आपने। अब देखा तो कोई समस्या नहीं है, अभी अपन और इधर आ जाते हैं, है ना। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि आई के साथ में, मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है, वर का नहीं होता। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है, वर का नहीं होता। जबकि होना किसका चाहिए था, वर का, क्योंकि आपने इसको प्लूरल माना है। तो बच्चों अगर इस अपवाद को छोड़ दिया जाए, इफ यू कीप दिस एक्सेप्शन असाइड, यदि आप इस अपवाद को एक तरफ रख देते हैं, दरकिनार कर देते हैं, तो फिर इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। इस अपवाद को छोड़ करके आई को भी अन्यत्र सर्वत्र प्लूरल माना जाता है। तो बच्चों क्या निष्कर्ष निकाला आपने इन सबको पढ़ करके? अब जरा मैं इनको मिटा रहा हूं, आपने उतार लिया होगा। निष्कर्ष बच्चों हमारा बहुत आसान है। निष्कर्ष हमारा यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इस टेंस को बच्चों बहुत अच्छे से समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो आगे वाला टॉपिक जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं वह बच्चों पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऊपर ही टिका हुआ है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेना आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया कि देखो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट तो किसका प्रयोग होगा, तो बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या पीएस का प्रयोग, क्लियर है। और बच्चों यदि सब्जेक्ट पीएस, पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होगा और उसके अंत में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। आ गई बात समझ में? फिर बच्चों दो बातें तो समझ में आ गई है, अब तीसरी बात यह है कि सब्जेक्ट के स्थान पर बच्चों कौन है, जरा देखो, अगर आई या यू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस इसी में आ गया। हालांकि मैं इसको यूं भी कह सकता था कि साहब फर्स्ट पर्सन, ठीक है, के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकंड पर्सन के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ऐसे ईएस जोड़ा जाएगा। मैं इस बात को यूं भी समझा सकता था, परंतु अगर बच्चों में इसी तरीके से समझा था तो फिर परंपरागत शिक्षण में और मेरे शिक्षण में अंतर क्या हुआ,
फिर मेरे अपने निष्कर्ष जो हैं वो कहां जाएंगे। इसलिए बच्चों मैं आपको सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस जोड़ दो, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दो, और अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आई या यू है बच्चों तो ये माना कि सिंगुलर होते हैं लेकिन इनको प्लूरल माना जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो कम से कम, और इनके बाद में क्या यू को तो हमेशा प्लूरल माना जाएगा और आई को भी हमेशा माना जाएगा, लेकिन बच्चों केवल पास्ट टेंस में जहां आप बी वर्ब का प्रयोग करते हो वाज वर, तो वहां जरा ध्यान देना कि आई के साथ वाज का प्रयोग होगा और वर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। बाकी इन दोनों को प्लूरल माना जाएगा, इसलिए बच्चों इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें क्या नहीं जुड़ेगा, उसमें ऐसे ही एस नहीं जुड़ेगा। ये बात बच्चों आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब मुद्दे की बात यह है, एक बात और है कि सर आपने तो यह कह दिया कि साहब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में या तो एस जोड़ दो या फिर ईएस जोड़ दो, तो क्या हम एस या ईएस में कुछ भी जोड़ दें क्या? नहीं, कुछ नहीं जोड़ सकते आप, कुछ नहीं जोड़ सकते आप। जब मैं कहूं तब तो एस जोड़ोगे और जब मैं मना कर दूं तब आप नहीं जोड़ोगे, सिर्फ ईएस जोड़ोगे। तो कब एस जोड़ोगे कब ईएस जोड़ोगे ये फंडा आप समझ लो। इतना तो समझ में आ गया कि यदि कर्ता एक वचन है, आई मीन इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन वी शैल हैव टू ऐड एस और ईएस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इतना तो समझ में आ गया कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में हमको ऐसे ईएस जोड़ना पड़ेगा इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर। लेकिन बच्चों प्रश्न यह है कि एस कब जोड़े ईएस कब जोड़े, तो बच्चों जरा ध्यान देना, एक स्टार लगाओ और यह समझो। जब बच्चों मैं आपको कहता हूं कि देखना आप, जैसे मैंने आपको कहा कि देखो जिन क्रियाओं के अंत में डबल एस, ठीक है, एस एच सी एच ओ एक्स और जेड आ जाए उनमें ई एस जोड़ोगे और शेष सब में क्या जोड़ोगे, सिर्फ एस जोड़ोगे। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूं, यह बच्चों जी यू ई डबल एस, जैसे यानी जानते हो सब अनुमान लगाना होता है। अब मैं कहता हूं आई गैस, मैं अनुमान लगाता हूं बिल्कुल ठीक है, लेकिन शी गैस नहीं होगा शी गैसेज होगा। आई गैस तो ठीक है लेकिन शी गैस नहीं होगा शी गैसेज होगा। तो बच्चों क्यों? क्योंकि शी सिंगुलर नंबर है और जब आप इसमें जोड़ोगे तो अंत में डबल एस आ गया ना, इसलिए बच्चों इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ई एस जोड़ना पड़ेगा। यहां एस नहीं जुड़ेगा, ये गलत है ये सही है इनके, क्योंकि डबल एस आ गया है। और जरा दूसरा, जब हम कहते हैं कि रवि हर संडे को अपने कपड़े धोता है, अब बताओ रवि सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर बनाओगे तो एस जोड़ेगी कि ईएस जोड़ेगी? चूंकि अंत में ईएस आ गया इसलिए ईएस जोड़ेगी। आप क्या लिखोगे, रवि वॉशेज हिज क्लोथ्स ऑन एवरी संडे, रवि वॉशेज हिज क्लोथ्स ऑन एवरी संडे, रवि हर संडे को अपने कपड़े धोता है। तो बताइए क्या किया आपने, चूंकि वॉश के अंत में एस एस आ रहा था इसलिए आपने ईएस जोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों जैसे मैं आपको कहता हूं कि आई टीच यू, जब मैं आपको कहता हूं कि आई टीच यू यहां तक तो ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मैं कह दूं कि सोनलाल गुप्ता टीच यू तो गलत है, क्योंकि बच्चों सोनलाल गुप्ता तो सिंगुलर है, दो चार सिंह सोनलाल गुप्ता थोड़ी है, इसलिए आपको कहना पड़ेगा सोनलाल गुप्ता टीच नहीं टीचेज, क्या बोलना पड़ेगा टीचेज। अब टीचेज का प्रयोग आपने किया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, अब जब टीचेज का प्रयोग किया तो बच्चों आप जान रहे हो कि टीच वर्ब के अंत में क्या आ गया, जरा बताना, यहां अंत में आ गया सी एच, इसलिए आपको ईएस जोड़ना पड़ेगा, ईएस जोड़ना पड़ेगा। बताओ क्या बन जाएगा, सोनलाल गुप्ता टीचेज यू मैथमेटिक्स, सोनलाल गुप्ता आपको क्या पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और बच्चों जरा ओपे विचार कीजिए, जैसे ये गो है, अब मैं कहता हूं साहब मैं जाता हूं तो आई गो, लेकिन जब मैं कहता हूं कि सोफिया जाती है तो सोफिया, तो बच्चों आपको पता है क्या एक वचन ही है ना, तो सोफिया गो तो आएगा नहीं, सोफिया गो जाएगा। अब प्रश्न है कि ऐसे एस या ईएस, तो जाहिर सी बात है अंत में वो आ रहा है तो ईएस, तो सोफिया गोज हो जाएगा। और जरा बच्चों एक वर्ब और देखो, ये है फिक्स या मिक्स, जैसे हम कहते हैं मिक्स कर दो, क्या ये दूध है और इस दूध के अंदर क्या कर दो, चावल मिक्स कर दो, तो दूध में चावल मिक्स कर दो। तो बच्चों एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको कहा कि ही मिक्स, तो ही तो एक वचन है ना, तो आप क्या करोगे, ही मिक्सेज। अब बताओ अंत में एक्स आ गया ना, और बच्चों एक जेड और है, ये देखो बी यू डबल जेड, इसका मतलब होता है जैसे मच्छियां बिन बिन आती है उसको बोलते हैं, तो आप देख रहे हैं लास्ट में जेड आ रहा है, आपको सब दो आ रहे हैं, दो से मतलब नहीं, एक तो आ रहा है ना, दो आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु कम से कम एक तो आ ही रहा है, तो आप क्या करोगे, जब इसमें जोड़ोगे क्या करोगे बच्चों, इसमें करोगे बजेज, अगर करता एक वचन है तो। सारा समझ में आ गया होगा, जिन क्रियाओं के अंत में डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स या जेड होगा उनके अंत में क्या करना पड़ेगा, उनको सिंगुलर बनाने के लिए उनके अंत में ईएस जोड़ना पड़ेगा, और बाकी सभी क्रियाओं के अंत में उनको सिंगुलर बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ना पड़ेगा। एक बात तो यह है बच्चों, एक वाई का नियम और उस पर मैं चर्चा करूंगा आपसे, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके,
हाँ तो बच्चों लेटेस्ट कंटिन्यू अपनी बात को ऊपर कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों यहां तक की बात तो आपको समझा दी, अब ये वाई वाली बात और समझा देते हैं। देखो आप तो बच्चों देखिए, अब जैसे दो वर्ब आपके पास बच्चों, एक तो प्ले, जरा देखो प्ले, और एक फ्लाई, ठीक है। जब आप प्ले का कर्ता, जैसे मान लो सिंह उधर है और आपने कह दिया शी प्ले, तो आपको ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करोगे आप, इसमें तो सिर्फ जो है क्या करोगे, शी प्लेज, ये प्ले में आपने एस जोड़ दिया, क्लियर है। अब जैसे मान लो आपको बच्चों यहां फ्लाई यानी क्या होता है, उड़ना है। अब मैंने कहा कि हवाई जहाज उड़ता है, क्या कहा मैंने, हवाई जहाज उड़ता है। मैंने कहा जैसे कबूतर उड़ता है, तो मैं कहूंगा द पिजियन, कबूतर है द पिजियन। अब बच्चों पिजियन सिंगुलर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लाइज, एफ एल आई ई, ठीक है, एफ एल आई ई एस फ्लाइज, एफ एल आई ई एस फ्लाइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों जिन वर्ब्स के अंत में, जरा ध्यान दो, जिन वर्ब्स के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले ए का, मतलब ए ई आई ओ यू जानते हो ना, कोई वोवल हो, जिन वर्ब्स के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले कोई वोवल हो, तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें उस वाई में केवल एस जोड़ना, कोई समस्या। लेकिन बच्चों अगर किसी भी शब्द के अंत में या किसी वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले क्या हो, जरा बताना, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जानते हो, ए ई आई ओ यू को छोड़कर कोई कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, वाई को आई में बदलकर, ठीक है, वाई को आई में बदलकर, ये हो गया वाई, वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ा जाएगा, वाई को आई में बदल करके, वाई को आई में बदल करके ई एस जोड़ा जाएगा। तो बच्चों ये अपनी ऐसे ई एस वाली बात आपको समझा दी गई है, ये कब एस जोड़ा जाएगा, कब ई एस जोड़ा जाएगा, अगर आपने उतार लिया है तो अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। आइए देखना, आगे की बात बच्चों ये है कि जैसे आपने इतने सारे सेंटेंस लिखे हैं, अब उन्हीं में से अपने एक सेंटेंस लेते हैं। आपको हमने सेंटेंस दिया था कि आई लाइक दिस पोयम, ठीक है। अब मैं आई लाइक दिस पोयम को हटा करके एक जगह इसको यो कर देता हूं, जरा देखो ये है अलेक्स, किसी का नाम है, और मैंने कह दिया लाइक दिस पोयम, अलेक्स लाइक पोयम। बच्चों सेंटेंस तो अशुद्ध है, कृपया इसको शुद्ध कीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, जबकि हम जानते हैं कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, बल्कि क्या आएगा, इसमें ऐसे ही इस जुड़ेगा। अब आपका वाक्य शुद्ध हो गया, अलेक्स लाइक्स दिस पोयम, यानी अलेक्स इस कविता को पसंद करता है। अब कई बार बच्चों हम कहते हैं कि क्या अलेक्स इस कविता को पसंद करता है, क्या बोला मैंने, क्या अलेक्स इस कविता को पसंद करता है। तो अब बच्चों इसका जवाब बताओ, किसमें देना पड़ेगा, हाँ या ना में देना पड़ेगा ना, हाँ अलेक्सिस कविता को पसंद करता है, नहीं अलेक्सिस कविता को पसंद नहीं करता है। लेकिन बच्चों मैंने आपको कहा कि अलेक्स क्या पसंद करता है, तो आप हाँ, तो जैसे मैंने कहा अलेक्स क्या पसंद करता है और आपने बोला हाँ, तो हाँ थोड़ी बोलोगे, आप कहोगे अलेक्स कविता को पसंद करता है। तो बच्चों इस बात को अच्छे समझ लीजिए कि जब कोई हिंदी का वाक्य हो और उसके शुरू में क्या आ रहा है, शुरू में एट द बिगिनिंग, तो जवाब यस या नो में दिया जाता है। लेकिन हिंदी के वाक्य के बीच में क्या आ रहा है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुमको यहां, अरे हां नहीं तुम्हारा नाम पूछा है मैंने, लेकिन यदि मैंने कहा क्या तुम्हारा नाम है, तब तो आपका हाँ या ना चल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं वाक्य के शुरू में अगर क्या का प्रयोग हुआ है, तो अंग्रेजी में बच्चों उसके लिए वाट का प्रयोग कभी भी नहीं होता। यदि हिंदी में किसी वाक्य के शुरू में ही क्या का प्रयोग हुआ है, तो अंग्रेजी बनाते समय उस वाक्य के शुरू में वॉट का प्रयोग कभी नहीं होता। वॉट का प्रयोग तो तब होता है जब क्या का प्रयोग वाक्य के बीच में किया गया हो। इतना समझ में आ गया है। तो आपका प्रश्न यह है कि अलेक्स लाइक्स दिस पोयम, माने अलेक्स इस कविता को पसंद करता है। अब बच्चों आपको ये बनाना है कि क्या अलेक्स इस कविता को पसंद करता है। हिंदी में लिखूंगा नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे क्या अलेक्स इस कविता को पसंद करता है। इसका एक ही तरीका है बच्चों, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यहां पर बच्चों इस जगह एक सहायक क्रिया होती है। क्या होती है इस जगह, इस जगह एक सहायक क्रिया होती है,
जो सभी टेंसेज में आपको दिखाई देंगी, लेकिन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में दिखाई नहीं देंगी। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में दिखाई नहीं देंगी, तो आप जरा ये देखो कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है बच्चों, इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखो, यहां पर या तो डू है या यहां पर डज है। अब हम कैसे पहचाने? पहचानने का सीधा सा तरीका है, अगर बच्चों यहां ऐसे एस जुड़ा हुआ है तो ये डज है, क्योंकि सिंगुलर में तो डज होती है, और अगर यहां ऐसे एस जुड़ा हुआ नहीं है तो ये डू है। अब दोनों में से आपको क्या है, किसी भी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने का पहला नियम होता है बच्चों इनवर्जन। इनवर्जन का मतलब होता है ये जो एच वी है जो आपको चाहे दिखाई दे रही है चाहे नहीं दे रही है, चाहे ये प्रकट रूप में है चाहे अप्रकट रूप में है, चाहे बच्चों एक्सप्रेशन फॉर्म में है चाहे ये हिडन फॉर्म में है, ये अंडरस्टूड है जो भी है, लेकिन आपको इसको बाहर तो निकालना पड़ेगा। एंड यू विल हैव टू मेक इट्स इनवर्जन। और तुमको बच्चों इसका क्या करना पड़ेगा, आप तुमको इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। व्युत्क्रम जानते हो, एक बटा दो का दो बटा एक करना, दैट इज व्युत्क्रम। तो वो व्युत्क्रम होता है, इन्वर्जन होता है। तो बच्चों आप मुझे बताओ कि डू और डज में से क्या बाहर लाऊं? जाहिर सी बात है डू तो आ नहीं सकता, डज ही आएगा, तो ये लगा दिया साहब हमने डज। ठीक है, अब बच्चा क्या करता है, डज, फिर वो क्या करता है एलेक्स। अब इस डज का मतलब क्या हो गया, इसके दो मतलब हो गए, क्या भी इसी का मतलब है, क्या क्या और पसंद करता है वो है भी इसी में अंडरस्टूड है। ठीक है, तो आपने बोला कि डज एलेक्स लाइक्स दिस पोयम, और बच्चों ये जो फुल स्टॉप है इसको क्वेश्चन मार्क में बदलना, फुल स्टॉप को क्वेश्चन मार्क में बदलना पड़ेगा। फुल स्टॉप को किस में बदलना पड़ेगा बच्चों, फुल स्टॉप को क्वेश्चन मार्क में बदलना पड़ेगा। तो डज एलेक्स लाइक्स दिस पोयम, क्या एलेक्स इस पोयम को पसंद करता है। डज एलेक्स लाइक्स दिस पोयम यानी क्या, क्या एलेक्स जो है इस पोयम को पसंद करता है, तो क्या एलेक्स इस पोयम को पसंद करता है। अब बच्चों आप इसमें देखो कि जब आप डजियां ले आए तो ये एस, ये एस तो इधर आ गया, तो ऐसे लौटेगा। अब आप कहोगे सर यहां तो एस ही था, फिर यहां ई एस क्यों हुआ, आपको बता दिया गया है ना इसके अंत में वो आ रहा है। तो जब ये एस यहां से ट्रांसफर होगा तो यहां आते आते ई एस में बदल जाएगा इस ओ के कारण। तो डज एलेक्स, अब इसको तो हटाना पड़ेगा ना, क्यों हटाना पड़ेगा। डज एलेक्स लाइक दिस पोयम यानी क्या एलेक्स इस कविता को, क्या एलेक्स इस कविता को पसंद करता है। डज एलेक्स लाइक दिस पोयम यानी क्या एलेक्स इस कविता को पसंद करता है। तो इस तरीके से आपने देखा, डज एलेक्स लाइक दिस पोयम, क्या एलेक्स इस कविता को पसंद करता है, तो बच्चों आपका प्रश्नवाचक वाक्य बनके तैयार हो गया है। तो इसका मतलब समझ गया प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल में बच्चों यदि करता है एक वचन है तो डज होगा जो दिखाई नहीं देगा, आपको अपने कॉमन सेंस से उसको बाहर लाना पड़ेगा। और अगर डज को लाओगे तो ये ऐसे ये हटेगा, और अगर डू को लाओगे तो बच्चों न तो होगा और न हटेगा, हटेगा तो तब ना जब होता, लेकिन जब डू का प्रयोग आप करोगे तो इधर ऐसे होगा ही नहीं, तो फिर हटने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो डज एलेक्स लाइक दिस पोयम दूसरा समझ में आ गया। तीसरा और समझा देते हैं। अब नेगेटिव में क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा कि एलेक्स इस कविता को पसंद नहीं करता है, तो बच्चा क्या करता है, देखो बच्चा सीधे से कैसे बनाता है, वो ऐसे बनाता है, एक वो यो करता है देखो एलेक्स, ठीक है, फिर करेगा वो नॉट, ठीक है, फिर करेगा वो लाइक्स, फिर करेगा वो दिस और पोयम। और बच्चों ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसकी जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। अब बताओ ये तो सेंटेंस सही है या गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। एलेक्स नॉट लाइक्स दिस पोयम यानी एलेक्स इस कविता को पसंद नहीं करता, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये नॉट बच्चों ध्यान दो, ये नॉट क्या है, ये नॉट एक एडवर्ब है। क्या है ये आज तक कभी अकेला नहीं आया, ये अकेला नहीं आता, ये एडवर्ब है बच्चों। ये जब भी आएगा तो किसको साथ लेके आएगा, ये बच्चों आप जानते हो 24 प्रकार की सहायक क्रियाएं जो होती है ना, इज एम आर वाज वर हैज यू हैड, इज एम आर वाज वर हैज यू हैड डू डस डिड, 11 तो ये हो गई, 24 मॉडल हो गए। तो 11 होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और 13 होते हैं मॉडल, टोटल 24 हो गए। तो बच्चों इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट, इनको कहा जाता है नोट के 24 दोस्त, यानी नोट एडवर्ब है, वो कभी अकेला नहीं आता, जब भी आता है तो अपने 24 दोस्तों में से किसी एक को अपने संग लेके आता है। अब बच्चों प्रश्न ये है कि यहाँ किसको लाए, यहाँ बच्चों एलेक्स सिंगुलर है और प्रेजेंट सिंपल है, तो डू डज में से आएगा, तो डज तो आने से, डू तो आने से रहा, तो साहब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डज। अब आपने बताओ क्या कर दिया, एलेक्स डज नॉट, कोई समस्या, एलेक्स डज नॉट, एस कटेगा क्योंकि डज में ऐसे ही एस आ गया, दो बार नहीं आता बच्चों। जब आपने डज का प्रयोग कर दिया है तो फिर एस या एस किसी सूरत में नहीं आएगा, जैसे ऊपर भी तो नहीं आया था। अब यहां आपने डज लगा ही दिया है और डज तो आएगा, क्योंकि डज के बिना नोट के ला नहीं सकता, तो क्या करोगे आप, एलेक्स डज नॉट,
लाइक दिस पोयम, और ये अंत में जो क्वेश्चन मार्क था उसको आपको किस में बदल देना चाहिए था, उसको आपको फुल स्टॉप में बदल देना चाहिए था, जो आपने बदल भी दिया। और आगे बढ़ाते हैं अपनी बात। अब देखना, अब सिखाऊंगा आपको कौन सा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक नकारात्मक। तो इसमें क्या होगा बच्चों, क्या अलेक्स इस कविता को पसंद नहीं करता है, तो आप इसे डज को बाहर लेके आएंगे, यूं क्या आ गया, ये आ गया साहब डज, फिर क्या करोगे अलेक्स, ठीक है, ये डज आ गया, नॉट अपनी जगह रह जाएगा। तो डज अलेक्स नॉट लाइक एस या यस, तो बच्चों इसके कारण आएगा नहीं, ठीक है, तो आपको दिया जा सकता है यहां एस या यस, वो गलत होगा। तो डज अलेक्स नॉट लाइक दिस, और आपको दिया जा सकता है बच्चों फुल स्टॉप, वो गलत होगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक तरीका तो बच्चों ये है, एक तरीका तो ये है कि डज अलेक्स नॉट लाइक दिस पोयम, क्या अलेक्स इस कविता को पसंद नहीं करता है, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका और बताते हैं आप, डज नॉट, ये नॉट भी आगे लिए है हमें, अलेक्स डज नॉट अलेक्स लाइक दिस पोयम। अब बच्चों यहां क्या गलती हो गई हमसे, हमसे ये गलती हो गई कि नोट हम आगे ले आए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन बच्चों ये ध्यान दो कि नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले नहीं होगा, तीसरे स्थान पर होगा जैसा कि ऊपर हुआ था। और यदि आप आगे लाना चाहते हो तो बच्चों ये डज और नोट है ना, ये अलग अलग नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, ये आएंगे डज और नोट की जगह डजंट का प्रयोग होगा। मैं ये कहना चाहता हूं नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले नहीं होगा, और यदि होगा तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब संधि की तरह जुड़ करके होगा, यानी बच्चों आप समझ लो कि इसका प्रयोग जो है, जो नॉट है उसका प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के पहले नहीं होगा, और अगर होगा जैसे डोंट, आप कहते हो सर कई बार हम डोंट का प्रयोग करते हैं, जैसे डोंट यू लाइक दिस, तो डोंट यू लाइक दिस तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने डू नॉट तो नहीं बोला ना, आपने तो बोला डोंट यू लाइक दिस। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि नॉट का प्रयोगकर्ता के पहले नहीं होगा साधारणतः, और यदि होगा तो वो एच वी यानी जो 24 सहायक क्रियाएं हैं उनमें से कोई एक होगी, और उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, जिसे डज का क्या बन जाएगा डजंट, डू का क्या बन जाएगा डोंट, इज का क्या बन जाएगा इजंट, आर का क्या बन जाएगा आरंट, और एम का क्या बन जाएगा एमंट नहीं आरंट। तो बच्चों इस तरीके से जितनी बात हम इसके बारे में कर सकते थे उतनी आज हमने की है, और अपना जो है आज की बात ये समाप्त, और आगे वाली बात हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है बच्चों, नमस्कार।